ये रूल महारेरा ने पहले ही लाया था, ये कोई नया रूल नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्डर नंबर 43/2023 13 फरवरी 2023 में महारेरा ने ये सर्कुलर दिया था, ऑर्डर निकाला था, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि हर रेरा रजिस्टर्ड एजेंट को 6 महीने में अपने ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये 6 महीने कब होते हैं? 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, और 1 अक्टूबर से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक। और इसको 20 दिन का ग्रेस दिया गया है, यानी जो 30 सितंबर का पीरियड समाप्त हुआ उसका रिटर्न हमको फाइल करना है 20 अक्टूबर 2023 तक। डेट तो निकल चुकी है। इसमें महारेरा ने यह बोला है कि अगर आप इससे कंप्लाई नहीं करोगे, अपने ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज नहीं करोगे, तो हम आपके लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं और आपके ऊपर हेवी पेनल्टी भी आ सकती है। यू डू नॉट वॉन्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ, सो प्लीज कंप्लाई विद दिस। ये वीडियो ये सब चीजें क्लैरिफाई करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर सकें और अपना डिस्क्लोजर या डिक्लेरेशन अपलोड कर सके, फाइल कर सके। स्टेप नंबर 1, एनेक्सर ए जो इसका है उसको कहते हैं फॉर्म नंबर 6। अब फॉर्म नंबर 6 क्या है? इसको आपको डाउनलोड करना है और अपने लेटर पैड पे प्रिंट करना है। लेटर पैड कौन सा होगा? ये वही होगा जब आपने महारेरा का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन किया था, उस टाइम में जो आपने लेटर हेड यूज किया था, आपको उसी लेटर पैड पे इसको प्रिंट करना है। कोई और चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसमें कॉलम्स हैं, जिसमें आपको अपना नाम डालना है, अपना एड्रेस डालना है, और आपके अगर फॉर्म का नाम है तो वो लिखना है। ये सारी चीज वही होगी जो आपने एप्लीकेशन के वक्त लिखी होगी। प्लीज इसमें बिल्कुल चेंज मत कीजिए, बिकॉज फिर महारेरा से ये मैच नहीं करेगा और अननेसेसरी ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसमें और एक कॉलम है जिसमें एग्जाम क्लियर करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको कंपेटेंसी सर्टिफिकेट कहते हैं, उसका भी नंबर आपको इसमें डालना है। ये हो सकता है कि कई लोगों ने एग्जाम्स नहीं दिए हैं या अभी उनके एग्जाम का टर्न आया नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज आप उसमें नील लिख सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं उसको। लेकिन जिनके ऑलरेडी आ चुके हैं कंपेटेंसी सर्टिफिकेट नंबर्स, आप उसको लिखना पड़ेगा, बिकॉज रेरा इज गोइंग टू क्रॉस वेरीफाई दैट। ऑटोमेटिक सिस्टम से क्रॉस वेरीफाई होता है। इसमें ऑफकोर्स आपका रेरा नंबर भी लिखना होगा, इस फॉर्म के अंदर वो मेंशन है। दोस्तों, हमने रेरा के ऊपर कई वीडियोस बनाए हैं, जिनकी एक प्लेलिस्ट फॉर्म करके उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। वहां से आप रेलिवेंट वीडियोस उठा के देख सकते हैं, जिसमें ट्रेनिंग का वीडियो है, एग्जाम का वीडियो है, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और एडुकेटिव वीडियोज हैं। जिन लोगों ने अभी एग्जाम नहीं दिया है, क्या करना है, किस तरह करना है, दे कैन रिफर टू दिस प्लेलिस्ट, और वहां से यू कैन पिक अप द वीडियोस। कमिंग बैक टू आज का पॉइंट, ये फॉर्म नंबर 6 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी। टेबल ए पे आते हैं पहले। टेबल ए में क्या है? इसमें प्रोजेक्ट के डिटेल्स आपको डालने हैं, वही प्रोजेक्ट जिसमें आप रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं या रजिस्टर्ड एजेंट हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आप महारेरा के वेबसाइट से निकाल सकते हैं कि कहां कहां आपका नाम एज ए रजिस्टर्ड एजेंट दिया गया है। गो टू महारेराज वेबसाइट www.maharera.maharashtra.gov.in। इस वेबसाइट को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ रजिस्टर्ड एजेंट्स लिखा होगा, अब उस पर क्लिक कीजिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन आएगी, उसमें आप अपना नाम डालिए। जैसे आपने रेरा में जो रजिस्टर किया नाम, आप वो नाम उसमें टाइप कीजिए और उसके बाद सर्च बटन को क्लिक कीजिए। द मोमेंट यू डू दिस, ये आपको दूसरे स्क्रीन पे लेके जाएगा और वहां पर ये आपको दिखाएगा कि आपके अगेंस्ट में कौन से प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स से आप जुड़े हुए हो या आप इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, ऐसा ही लिखा। इन प्रोजेक्ट्स के साथ साथ उनका रेरा नंबर भी यहाँ मेंशन है, और आप सारे डिटेल्स वहां से उठा करके टेबल ए जो फॉर्म की है उसमें आप फिल कर सकते हैं आपके नाम के साथ। तो ये रहा फॉर्म ए। अब चलते हैं फॉर्म बी की तरफ। फॉर्म बी में सारा ट्रांजैक्शन का आपका डिटेल होगा कि आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है। तो इसमें कॉलम्स हैं, जिसमें सीरियल नंबर होगा, यूनिट नंबर होगा, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है वो होगा, प्रोजेक्ट का नाम होगा, जो कुछ भी है, जो यूनिट आपने बेचा है वो इसमें आपको डालना है। इसमें मान लीजिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल, कि आपने किसी प्रोजेक्ट में जो रजिस्टर्ड है यहाँ पर आपके नाम के साथ, उसमें आपने टावर बी में 904 नंबर फ्लैट बेचा है, तो इसका नंबर हो जाएगा B904। तो
तो आप इसमें प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, उसका रेरा नंबर डालेंगे, यूनिट का नंबर डालेंगे B904, और आगे लिखेंगे रेसिडेंशियल, क्योंकि ये रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है, और उसके बाद में आपका इनवॉइस की डेट आएगी, मतलब वो ट्रांजेक्शन डेट है, इसको ट्रांजेक्शन डेट ही बोला जाए। ट्रांजेक्शन डेट इज द डेट दैट यू रेज द इनवॉइस ऑन, बाकी किसी डेट्स के साथ कंफ्यूज मत कीजिए, जिस डेट पे आपने इनवॉइस रेज किया है वही ट्रांजेक्शन डेट माना जाएगा, सो प्लीज मेंशन दैट डेट हियर। और लास्ट कॉलम है ब्रोकरेज अमाउंट का, ट्रांजेक्शन अमाउंट, ये बेसिक अमाउंट ऑफ द ब्रोकरेज है, इसमें जीएसटी नहीं आएगा और कोई एक्सपेंसेस इसमें या कोई चार्जेस इसके अंदर नहीं ऐड करने हैं, जो भी आपकी बेसिक बिलिंग है आप केवल उसी को इसमें ट्रांजेक्शन अमाउंट में लेंगे, ये डिस्क्लोज करेंगे जो आपका इनवॉइस का अमाउंट। दिस इज टेबल बी, सो टेबल बी भरने के बाद लेट अस गो टू टेबल सी। दिस इज मेन फॉर एजेंट्स और ब्रोकर्स जिनका ट्रांजेक्शन टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, साल में अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर उनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, विच इंक्लूड्स प्राइमरी मार्केट यानी फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, लैंड, रेंटल्स, हर तरीके का ब्रोकरेज का बिजनेस इंक्लूड करके अगर वो 20 लाख से ऊपर जाते हैं तो ये टेबल सी केवल उन्हीं के लिए है। जिनके लिए एप्लीकेबल है तो टेबल सी में क्या रहेगा, टेबल सी में आपको डेजिग्नेटेड ऑफिसर का नाम डालना होगा, ये कौन डालेगा, जो इस फॉर्म का मालिक है, प्रोप्राइटर है या पार्टनर है, ओनर है, वो इसको डेजिग्नेटेड ऑफिसर को डिफाइन करेगा और उसका नाम वहां डालेगा। और इसमें दूसरा कॉलम है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, ये कौन है, ये वही है प्रोप्राइटर या पार्टनर फर्म का होगा, उनका नाम ही आएगा। यूजुअली ये आइडियल है कि अगर ये दोनों अलग अलग लोग होंगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपका आपकी फर्म या आपका काम छोटा है तो एक ही आदमी दोनों रोल प्ले कर सकता है। रोल्स क्या है, रोल्स ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन रेरा में सबमिट करनी है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज दिस डेजिग्नेशन इज नोन एज डेजिग्नेटेड ऑफिसर, मतलब एक ऑफिसर को डेजिग्नेट किया गया है रेरा के साथ कंप्लाई करने के लिए। तो फिर डायरेक्टर का क्या रोल है, डायरेक्टर को वक्त बेवक्त सारी इंफॉर्मेशन रेरा तक पहुंचानी है, सो ये रेरा के लिए ही ये दोनों लोग का चयन होगा। ओके, एंड दिस इज मेंट फॉर पीपल हु आर ओवर 20 लाख ऑफ टर्नओवर। तो अब क्या करना है, अब आपने फॉर्म का डाउनलोड किया, प्रिंट आउट लिया, आपके लेटर पैड पे आपने पूरा इन ऑल रिस्पेक्ट्स आपने भर दिया, उस पे कंपनी का सील रबर स्टैम्प लगाकर साइन कर दी, अब इसको रेरा के साइट पे अपने सेक्शन में अपलोड करना है। आप रेरा के साइट में अपने पेज पे जाइए, आप हर एक का रेरा रजिस्टर्ड एजेंट का अपना अपना पेज है, वहां जाइए, वहां आप क्लिक कीजिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के ऊपर। द मोमेंट यू क्लिक दैट, लेफ्ट हैंड साइड में आपको तीन ऑप्शंस नजर आएंगे, उसमें से आप क्लिक करिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए। द मोमेंट यू क्लिक देयर आपको डॉक्यूमेंट मांगेगा एंड देन यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स ऑन देयर। अब फाइनली चलते हैं FAQs की तरफ, ये किसके लिए रेलेवेंट है, कौन इसको भरेगा या लायबल है भरने के लिए, वही एजेंट जो प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं, अभी तक सेकेंडरी मार्केट या लैंड या रेंटल मार्केट वालों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सो केवल आपकी अगर इनकम प्राइमरी मार्केट से है तो आप उसी को इसमें मेंशन कीजिए, और उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए जो रेरा रजिस्टर्ड है, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स नहीं है और आप अगर उसमें काम करते तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। पहले खुलासा कर चुका हूँ कि ट्रांजेक्शन डेट आपकी इनवॉइस डेट ही मानी जाएगी, तो आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, और जो अमाउंट होगा वो नेट ऑफ जीएसटी या अदर टैक्सेस होगा, केवल बेसिक अमाउंट ही आपको डालना होगा और दैट विल बी कंसिडर्ड एज दैट। अक्सर देखा गया है कि रेरा के डर से कई लोग अपना इनवॉइस नहीं सबमिट करते, वो उन लोगों का इनवॉइस सबमिट करते जिनके पास रेरा के रजिस्ट्रेशन है, अपने यार दोस्त या कोलीग्स या पियर्स या किसी से भी वो रेरा का मांगते हैं, भाई तेरे पास रेरा है तो मेरी ये ट्रांजेक्शन या डेवलपर की प्लीज अपने इसमें डाल दीजिए। तो डिस्क्लोजर किसको करना होगा, उसी को जिसने इनवॉइसिंग की है, आपको नहीं करनी होगी, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। बिजनेस आप कर रहे हो और ट्रांजेक्शन किसी और के अकाउंट में दिखता है, सो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो प्लीज इसको स्टॉप कीजिए, अपना रेरा का लाइसेंस खुद लीजिए, एग्जाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और आप खुले मन से अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा,
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो औरों के साथ भी शेयर कीजिए। कुछ भी अगर आपको इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, और अगर आपको फॉर्म नहीं मिल रहा है, कुछ इश्यू है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरा व्हाट्सएप उस पर है, आई विल सेंड यू द फॉर्म्स ऑन द व्हाट्सएप। हाय भेजिए मुझे एंड प्लीज राइट दैट काइंडली सेंड मी दिस फॉर्म और आई विल सेंड इट टू यू एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रॉम देयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे के सारे वीडियोज आपको आसानी से मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।